कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक पर शिवराजपुर स्टेशन के नजदीक एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम बम आदि ज्वलनशील पदार्थ रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की रविवार की रात साजिश की गई थी। सोमवार को एटीएस के आईजी नीलाब्जा चौधरी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रेलवे ट्रैक पर जिस प्रकार ज्वलनशील पदार्थ रखा गया उससे पुलिस को आशंका है कि यह आतंकी घटना हो सकती है। प्रयागराज से चलकर कानपुर सेंट्रल और अनवरगन स्टेशन होते कालिंदी एक्सप्रेस रविवार रात भिवानी की ओर जा रही थी। अभी वह शिवराजपुर स्टेशन से पहले ही पहुंच पाई थी कि चालक को रेलवे ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर रखा हुआ दिखा। इस पर चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई। धीमी रफ्तार पर गैस सिलेंडर टकराया और वह दूर जा गिरा। अगले स्टेशन शिवराजपुर पर चालक ने विभाग को जानकारी दी कि शिवराजपुर स्टेशन के नजदीक इस तरह की घटना सामने आई है और ट्रेन आगे के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गई। मामले को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर ओपी मीना की टीम ने मौके का मुआयना किया और वहां पर पेट्रोलियम बम व एक झोले में बारूद सहित अन्य संदिग्ध सामान देखकर उनके होश उड़ गए। मामला संदिग्ध होने पर रेलवे आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम व रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर कमिश्नरेट पुलिस को सूचना दी गई और जॉइंट पुलिस कमिश्नर हरिश्चंद्र देर रात पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर मिले संदिग्ध सामान को देखकर अधिकारी यह समझ गए कि यह आतंकी घटना हो सकती है। इस पर सोमवार को एटीएस के आईजी नीलाब्जा चौधरी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। एटीएस के आईजी ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर भरा हुआ था और ट्रेन के इंजन की टक्कर से वह दूर जा गिरा। गनीमत रही कि वह फटा नहीं और हादसा होने से बच गया। घटनास्थल पर एलपीजी गैस सिलेंडर के अलावा एक झोले में बारूद और पेट्रोलियम बम सहित कई संदिग्ध सामान मिले हैं। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य एकत्र कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर हरिश्चंद्र ने बताया कि 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। रेलवे के अधिकारियों ने शिवराजपुर थाने में तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।